ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharstudy.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bach। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। भागलपुर सुल्तानगंज में बिहार सरकार पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। इस दौरान NDA के कार्यकर्ता सहित स्थानीय पदाधिकारी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने आदर्श मध्य विद्यालय पहुंचकर प्रखंड स्तरीय बने सामुदायिक किचन का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए DDC सुनील कुमार, VDO अमर मिश्रा, CO शुभारंभ पैच शुभ शरण राय, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार से पूछताछ करते हुए सामुदायिक किचन के बारे में जानकारी लेते हुए दुरुस्त करने की बात कही है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ रेफरल अस्पताल पहुंचकर स्थानीय विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने उनसे मुलाकात करते हुए रेफरल अस्पताल के बारे में उन्हें जानकारी दी। साथ ही COVID-19 में मरीजों की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए जायजा लिया। इस दौरान रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर उषा देवी, मैनेजर चंदन कुमार उन लोगों से भी मुलाकात करते हुए कोविड मरीजों की व्यवस्था के लिए अलग से बेड की व्यवस्था एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात भी कही है। COVID-19 के मरीजों को समुचित व्यवस्था देने का निर्देश दिया। इस दौरान पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को बताया कि रेफरल अस्पताल में डॉक्टर की कमी को दूर किया जाएगा, बेड की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है, बहुत जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। मीडिया के सवाल पर कहा कि सरकार अभी प्रखंड स्तर पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है, अगर लॉकडाउन को बढ़ाया गया तो पंचायत स्तर पर भी सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इसके लिए सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है। वहीं विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने कहा कि COVID-19 के मरीजों को एम्बुलेंस निःशुल्क व्यवस्था हमारे ओर से दिया जाएगा। अगर किसी को एम्बुलेंस से परेशानी होती है तो उन्हें दिया जाएगा। इस दौरान NDA के कार्यकर्ता पवन किसान, विकास कुमार कर्ण, संजय चौधरी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि कुमार संजीव, निरंजन पाच, नीरज पासवान, नवीन कुमार बन्नी, मनोज सिंघानिया, मनोज यादव, विजय विद उपस्थित थे। भागलपुर से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट। माननीय विधायक के आग्रह पर हम लोग यहाँ आए और माननीय विधायक जी की चिंता है कि किसी भी हालत में सुल्तानगंज का पेशेंट भागलपुर नहीं जाए, इसका समुचित इलाज यहाँ है। हमने 2-3 बिल्डिंग में कहा है कि इसकी पूरी व्यवस्था कीजिए कि 30 बेडेड एक अस्पताल की नई संरचना करें और सुल्तानगंज में हम 15 फाइनेंस से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, यहाँ 30 बेड की व्यवस्था करेंगे, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी देंगे, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी देंगे और भी जो चीज़ें स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित करेंगे। माननीय विधायक जी अपने तरफ से सुल्तानगंज वासियों को एक एम्बुलेंस भी यहाँ देने का काम करेंगे। नगर पालिका के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। हमने निर्देशित किया एक मॉर्चरी वैन जो कि सब वाहन होता है उसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ निर्देशित किया है। नगर विकास से भी 2-3 बड़े बिल्डिंग बने हैं, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करके तीसरे फेज के लिए हम पूरी तरह तैयार रहे। व्यवस्थाओं से सर संतुष्ट दिखे सर, सामुदायिक जो किचन है वो प्रखंड स्तर पे ही किया गया है, पंचायत स्तर के लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी सरकार का निर्णय है कि हम प्रखंड स्तर पर जो मुख्यालय है उसके इर्द गिर्द करेंगे, यही व्यवस्था है। जरूरत पड़ेगी यदि लॉकडाउन और बढ़ेंगे तो हम पंचायत स्तर पर भी विचार करेंगे और जितनी व्यवस्था ये सोच रहे हम ही दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, ऑक्सीजन का सब दे देंगे, लेकिन मंत्री जी बोलेगा आपको कुछ देना नहीं है, वो सब गवर्नमेंट तैयार है देने के लिए और गवर्नमेंट पूरा चीज जो चाहिए तैयारी के लिए गवर्नमेंट स्वयं खर्चा करने तैयार है। जो हम लोगों से 2-2 करोड़ रुपया लिए हैं उसी पर ही सब हो रहा है और हम एक वाहन यहाँ पर दे रहे हैं कि इमरजेंसी में जिसको ले जाना पड़ेगा भागलपुर या पटना, उसको कम से कम गरीब आदमी तो पहला कोशिश रहेगा कि रेफर नहीं हो और अगर रेफर हो तो सस्ता में उसको गाड़ी मिले,
हम एक सरकारी निःशुल्क टाइप हम भेजे हैं।